हाय एवरीवन, मैं हूँ मधुस्मिता। ब्लॉसम्स ऑफ हैप्पीनेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आप कैसे आपके घर में कॉफ़ी फेशियल इजीली कर सकते हैं। ये फेशियल बहुत ही इफ़ेक्टिव है, इस वजह से आप क्लियर स्किन और एक्ने पोर को रिमूव कर सकते हैं। सो लेट्स चेक द वीडियो। इस फेशियल को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँगी, एक है कॉफ़ी स्क्रब और एक है कॉफ़ी मास्क। पहले आपको बनाना है कॉफ़ी स्क्रब। इसके लिए आपको लेना है एक क्लीन कंटेनर, उसमें 1 टीस्पून चीनी डाल देना है। चीनी यहाँ पर मैं छोटी दाना यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास बड़ा दाना वाला चीनी है तो आप इसको थोड़ा क्रश कीजिए। फिर इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर। फिर इसको अच्छे से मिलाना है। यहाँ पर ऑर्गेनिक कॉफ़ी पाउडर यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई भी ब्रांड का कॉफ़ी पाउडर यूज कर सकते हैं। फिर आपको लेना है गुलाब का जल। मैंने यहाँ पर पतंजलि का रोज़ वाटर यूज़ किया है, यह बहुत ही नेचुरल है। इसको मैं 1/2 टीस्पून रोज़ वाटर मिलाऊंगी। फिर उसको अच्छे से मिक्स करिए ताकि ये अच्छे से मिक्स होकर एक लाइट कंसिस्टेंसी में आ जाए। पहले अपने फेस को ठंडे पानी से क्लीन कर दीजिए, फिर ये स्क्रब को सर्कुलर मोशन में अप्लाई कीजिए। कॉफ़ी में कैफीन है जो ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट करता है और ये स्किन में रेडनेस को भी प्रिवेंट करता है। ये एक्नी और पिंपल को ट्रीट करता है और ये एक इसमें एंटी एजिंग भी प्रॉपर्टी है जो एजिंग को स्लो डाउन करता है। ये एक गुड एक्सपोलिएटर है जो डेड सेल को रिमूव करता है। मैंने इसमें चीनी यूज़ किया है क्योंकि चीनी एक नेचुरल एक्सपोलिएट एजेंट है जो स्किन में डेड सेल को रिमूव करता है और ये स्किन को भी सॉफ्ट बनाता है। मैंने इसमें रोज़ वाटर यूज़ किया है। रोज़ वाटर में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है और एसेंशियल विटामिन्स होता है। ये पीएच बैलेंस को भी इम्प्रूव करता है। मिनट्स मसाज करने के बाद अपने फेस को ठंडे पानी से धो लीजिए। अभी आपको बनाना है कॉफ़ी मास्क। कॉफ़ी मास्क बनाने के लिए पहले एक क्लीन कंटेनर लीजिए, उसमें 1 टेबलस्पून राइस फ्लोर ऐड कीजिए। फिर इसमें 1/2 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर ऐड कीजिए। फिर आपको मिलाना है 2 टेबलस्पून रॉ मिल्क। मिलाने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करिए ताकि कॉफ़ी पाउडर और राइस फ्लोर अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर आप इसमें 1/2 टीस्पून रॉ हनी डालिए। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि ये एक फेस पैक बन जाए। लास्ट में इस फेस पैक में 4 से 5 ड्रॉप लेमन जूस ऐड कीजिए और उसको अच्छे से मिलाइए। अपनी फेस को ठंडे पानी में धोने के बाद ये फेस पैक को अपने हैंड या कोई सिंथेटिक ब्रश में अप्लाई कीजिए। में रॉ मिल्क इसलिए यूज़ किया है क्योंकि रॉ मिल्क में विटामिन बी एंड कैल्शियम होता है जो स्किन सेल को नरिश करता है। इसमें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड और लैक्टिक एसिड होता है जो डेड सेल को रिमूव करता है।
मैंने इसमें चावल की आटा यानी राइस फ्लोर यूज़ किया है, क्योंकि राइस फ्लोर एक सनस्क्रीन की तरह काम करता है। इसमें फेरुलिक एसिड होता है जो एक सन प्रोटेक्टिंग एजेंट है। ये स्किन सेल को भी रिपेयर करने में हेल्प करता है। मैंने इसमें हनी भी यूज़ किया है, क्योंकि हनी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है जो स्किन को कोई भी इन्फेक्शन से बचाता है और ये स्किन को क्लियर करता है। इसमें मैंने लेमन यूज़ किया है, क्योंकि लेमन एक नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है जो स्किन से डर्ट और इम्प्यूरिटीज़ को दूर करता है और ये डार्क मार्क एंड पिगमेंटेशन को स्किन में रिमूव करता है। फेस पैक को ऐसे ही फेस में 20 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। ये ड्राई होने के बाद ठंडे पानी में अच्छे से धो लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और भी मेरे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को आप कोई भी सोशल साइट पर आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए बाय, टेक केयर।